आज से विशेष वाहन जांच अभियान पटना में शुरू कर दिया गया है। अभी हम खड़े हैं पटना म्यूजियम के सामने, आप देख सकते हैं गाड़ियों का जाम लग गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस से बकझक करते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो माफ़ी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम किस जरूरी काम से निकले थे, लेकिन जो है पुलिस उन्हें छोड़ नहीं रही है। आपको बता दें कि यह अभियान आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। राजधानी पटना में 65 टीमें बनाई गई हैं जो 65 जगहों पर वाहन की जाँच करेंगी। एक टीम में एक सब इंस्पेक्टर, एक पदाधिकारी, 10 जवान, परिवहन विभाग के अधिकारी, बीएमपी के जवान शामिल होंगे। पटना में लगभग 20 जगहों पे, 20 महत्वपूर्ण जगहों पे को चिन्हित किया गया है इसके लिए, जिसमें डाक बंगला चौराहा, कारगिल चौक, पनास होटल के पास, डीएम कार्यालय के सामने, राजापुर पुल, एग्जीबिशन रोड, करबीगहिया, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बिहार म्यूजियम, आयकर गोलंबर को चिन्हित किया गया है। बिना हेलमेट के जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी। उनके पास अगर हेलमेट नहीं है तो उनको भी 1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। अभी हम म्यूजियम के सामने हैं, आपको हम दिखाते हैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से। या बहुत सारे लोग हेलमेट की गाड़ी रोका गया है इनको, यही दिक्कत है। पकड़ लीजिए, दिखा दीजिए। अधिकतर आ रही है कि लोग आप बता रहे हैं कि डबल ना डबल हेमलेट वाला ही क्यों गाड़ी रोका जा रहा है श्रीमान? डबल हेमलेट वाला भी रोका जा रहा है ना? जो डबल हेमलेट डबल हेमलेट पहने हुए उनको रोका जा नहीं रहा सर। पूरा बताइए, इनका कह रहे हैं कि इनके पास कोई दूसरा आदमी नहीं है। इनको सिपाही जी लोग गाड़ी रोके हैं, ये झंझट कर रहे हैं कि आदमी दिखा दीजिए, तो बिना हेमलेट के गाड़ी रोका गया नहीं। अरे सुनिए, हेलो, इनको रोकिए भाई जी। बच्चा समझ के पकड़ लिए, हेलमेट भी अकेले है, यही बोल रहे हैं लोग की डबल है। अच्छा अभी निकाल लिए, बोल रहे थाना, पैसा भी नहीं है, अब क्या करें अकेले पूरा। मैं चाबी रखे हूँ, दो कहाँ दिखा दीजिए, दो आदमी हमको दिखा दीजिए, हम गाड़ी अभी बोलिएगा तो थाना बताइए। नहीं, दो आदमी थे, चाबी किसी का छीन लिया जाएगा सर। हेलमेट नहीं था, उनकी गाड़ी को लेकर भाग रहे थे, तो सिपाही गाड़ी चाबी रख के वहाँ साहब के पास। गाड़ी अंदर में हम नहीं लगा आपके, मेरे साथ को अगर कोई यहाँ से बैठ जाएगा ले तो आप कैसे कर लीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सपोज है कि जो रूल सबके लिए वैलिड है, रूल सबके लिए वैलिड है, आप लोग बंद कीजिएगा पहले। अरे नहीं नहीं, आप बताइए ना, आप आपस में आप जो है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से आपको हम बैठा लेंगे कहीं से भी, गाड़ी पर बैठते ही डबल हेलमेट चाहिए। गलती है, हाँ एकदम है सर, ये नया व्हीकल एक्ट है। आप चालान काटो, ये काटो, तो आप चालान काटो। भाई चालान क्यों नहीं काट रहे हैं आप? कौन है चालान काटने वाला? तो चालान काटिए ना भाई, आपको क्या मतलब हेलमेट को कैसे रोका गया है? हाँ ट्रिपल लोडिंग था हम लोग का, ट्रिपल लोडिंग। हाँ अच्छा, अभी आप क्या कह रही थी, पुलिस थक गई है, बैठ गई है? हाँ, क्योंकि फिर एनर्जी आएगा तो वो फिर पकड़ेगी ना दोबारा, अभी बैठ गई है पुलिस। हाँ पुलिस अभी थक गई है क्योंकि अभी नहीं पकड़ी ना डबल हेलमेट वाले को, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। आप जानती हैं, आपको पता है कि वाहन चेकिंग अभियान, हम लोग को पता नहीं था कि क्योंकि अभी दो दिन, एक दिन पहले तक डबल हेलमेट चेकिंग नहीं हो रहा था, ये अभी अभी आज से स्टार्ट हुआ है पुलिस ने बोला। एक सप्ताह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। हाँ तो हम तो चल ही नहीं रहे थे, हम सब कुछ बनवा लिया था, आज इसकी सिर्फ तबीयत की वजह से हमको जाना पड़ा, हम कभी यूज़ ही नहीं करते ट्रिपल लोडिंग। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई मोटरसाइकिल चालक या फिर कोई फोर व्हीलर चालक जो है किसी के पास हेलमेट नहीं है, कोई डबल मतलब जो पीछे बैठने वाले हैं उनके पास हेलमेट नहीं है। बहुत सारे लोग इंजाम भी लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सिंगल थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कह के रोक दिया कि आप पीछे भी आपके कोई बैठा था। हालांकि ये सब जांच का विषय है, कोई कैमरा नहीं है जो इन सब चीज़ों को देख सके। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाम बहुत लग गया और पुलिस के पास प्रॉपर जो चालान काटने की मशीन है वो भी काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग बैठे हैं, चालान जो ये चाहते हैं कि हमारा चालान काट लिया जाए, हम फाइन भरने को तैयार हैं, उनका भी फाइन नहीं काटा जा रहा है क्योंकि पुलिस के पास जो मशीन है वो जो है काम नहीं कर रही है, और कैश ना होने की वजह से
लोग अपना चालान नहीं काटा पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जांच अभियान सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस को अपनी व्यवस्था, अपने तरफ से सारी व्यवस्थाएं ठीक दुरुस्त रखनी होगी कि लोगों को कम से कम जो चालान देना चाहते हैं उनको समस्या ना हो। कैमरामैन आकाश के साथ संजीव चौबे, न्यूज़ फॉर नेशन।